हेलो स्टूडेंट, क्लास यूकेजी के सब्जेक्ट मैथ्स से मैं आपको कुछ फिगर वाले नंबर्स पहले पढ़ा चुके हूँ कि आप किसी भी नंबर्स के स्पेलिंग से फिगर यानी नंबर्स में कैसे लिखेंगे। जैसे 100 होता है तो 100 लिखते हैं, 25 अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 25 अगर ऐसे लिखा हुआ है स्पेलिंग तो आप इसके लिए 25, ये फिगर में हुआ यानी नंबर्स में हुआ, ठीक है। उसी तरह थोड़े से बड़े हो जाएंगे नंबर्स, थोड़े बड़े हो जाएंगे उसको आपको डिजिट में लिखना है। 709 कितना है, 709। आपको कोई भी नंबर्स अगर आप पेंसिल लिखते हैं तो उसको एक बार काउंट करके देखेंगे, ठीक है। तो 709 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 970, ये 709 हुआ। हम लिखेंगे कैसे, हम अगर चाहें तो 709 से स्टार्ट कर सकते हैं, काउंट करके ही देखेंगे कि कितना है, इसको पढ़ेंगे दो बार समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 700 है, कितना है, 700, और उसके बाद क्या है, 9 है, 25, 26, 27, यानी टेंस के प्लेस पर कुछ नहीं है, टेंस वाला जगह कुछ है ही नहीं, टेंस जो होता है दूसरे नंबर पर वैल्यू कुछ नहीं है, सीधा 9 है, 700 के बाद 9। तो मैंने यहाँ 7 लिखा और उसके बाद यहाँ 9 लिखा, यहाँ टेंस का जगह जो है इसमें कोई नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, 709 हो गया, ठीक है। 335, जैसे ये देखिए 300 है और उसके बाद क्या है, 35 है, तो 300 कितना हुआ, 3 जो है 100 पर आ जाएगा और 35, 35, 35, तो ये इस तरह से हो जाएगा, 300 और 35, 35, ये हो गया। इसको काउंट कर लेंगे, 1, 10, 100, 300 और 35, 35, इस तरह से आपको ये नंबर्स नेम फिगर में लिखने हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद आपका जो होगा वो जो है आपको बिफोर आफ्टर और बिटवीन जो है ये इस तरह के नंबर्स होंगे जो मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वर्क को करेंगे, ठीक है। थैंक यू।